कांग्रेस के हाल ही में हुई आलाकमान की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 नई कमेटियों की घोषणा की है। टास्क फोर्स 2024, पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप और सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप, जिसमें सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप की जिम्मेदारी राहुल गांधी को दी गई है, जो कि गांधी जयंती से प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा की रूपरेखा तैयार करेगी और उसका समन्वय करेंगे। वहीं इस ग्रुप में सचिन पायलट के अलावा राजस्थान के दिग्गज नेता भंवर जितेंद्र सिंह को भी कमेटी में अहम भूमिका दी गई है। वहीं इस फैसले के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस फैसले के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की समिति में पायलट को मिली जगह से दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। पहली, उदयपुर में सफल नव संकल्प शिविर का आयोजन कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी मन की कर ली है। वे चाहते थे कि अगले साल होने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पायलट को केंद्र की राजनीति में भेजना चाहिए। कुछ हद तक ये सफल भी रहा। इसमें गहलोत खेमा ये भी प्रचार कर रहा है कि सचिन को राजस्थान से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली गई है। गहलोत समर्थकों ने तो नारा भी दे दिया है, राजस्थान छोड़ो भारत जोड़ो। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट को मिली जिम्मेदारी से उनके खेमे में भी खुशी की लहर है। बताया जा रहा है कि इससे उनके नेताओं को राहुल गांधी के करीब रहने को मिलेगा। अगर ये यात्रा सफल रहती है तो अगले साल के चुनावों में पायलट को मुख्यमंत्री प्रत्याशी के तौर पर भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है। पायलट समर्थकों को लग रहा है कि 2018 में पार्टी के जीत में महती भूमिका निभाने वाले उनके नेता ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसे भी गहलोत और पायलट के बीच कुर्सी की होड़ किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद पायलट के आगामी चुनावों में मुख्यमंत्री बनने की चाहत पूरी होती है या नहीं। खैर, इसका जवाब तो चुनाव के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इसको लेकर पायलट और गहलोत खेमे में जरूर खींचतान देखने को मिल रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिनाम सिंह की रिपोर्ट।